हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन मेरा नाम है अर्पित मंगल और गैस आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा केसीन प्रोटीन के बारे में और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि केसीन प्रोटीन और वे प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है तो सबसे पहले हम समझते हैं केसीन प्रोटीन होता क्या है देखिए हम सबको पता है कि केसीन प्रोटीन एक डेयरी प्रोटीन है मतलब जब भी आप दूध को फाड़ते हैं तो दूध दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट तो जो सॉलिड पार्ट होता है जिसे हम पनीर बोलते हैं वो आपका केसिन प्रोटीन हो गया जबकि जो लिक्विड पार्ट हो गया जिसे आप ड्रेन कर देते हैं वो वे प्रोटीन होता है बात करें अगर काऊ मिल्क की तो काऊ मिल्क में 80% परसेंट केसिन और मात्र 20% परसेंट वे पाया जाता है जबकि बात करें अगर ह्यूमन मिल्क की तो ह्यूमन मिल्क में सिक्सटी वे और फोर्टी ही केसिन पाया जाता है अब हम सबको पता है कि जो वे प्रोटीन होता है वो एक फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है इसीलिए हम वे प्रोटीन को एनाबॉलिक प्रोटीन भी बोलते हैं मतलब जब भी आप वे प्रोटीन का सेवन करते हैं वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो वे प्रोटीन आपके ब्लड में इमीडिएटली अमीनो एसिड की सप्लाई कर देता है जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि मसल डेवलपमेंट मसल ग्रोथ का काम चालू हो जाता है जबकि अगर हम बात करें केसिन प्रोटीन की तो केसिन प्रोटीन एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है आप जैसे ही केसिन प्रोटीन का सेवन करते हैं ये आपके पेट में एक जेल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है मतलब जैसे ही आपने केसिन पिया ये आपके पेट में एक जेल का गोला बना लेता है जिसकी वजह से अमीनो एसिड धीरे 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 और काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में रिलीज होते रहते हैं अब अगर आपका एम है मसल बिल्ड करना तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपके बॉडी में 24 घंटे तक अमीनो एसिड की सप्लाई होते रहे इसीलिए आप पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक एक साथ नहीं लेते हैं आप उसे 6 से 8 मील में डिवाइड कर देते हैं ताकि एक मील का प्रोटीन जैसे ही खत्म हो आप दूसरे मील का प्रोटीन ले लें और अमीनो एसिड की सप्लाई कंटिन्यूस आपके बॉडी मेंटेन मंटे, रहे पर बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं जब आप बैक टू बैक हर तीन चार घंटे बाद मील्स नहीं ले सकते जैसे रात को जब आप सोते हैं तो छः से आठ घंटा आप लगातार सोते हैं उस बीच में आप प्रोटीन मील नहीं ले सकते मतलब जो आपका डिनर है और जो आपका ब्रेकफास्ट है उसके बीच में ज़्यादा लंबा टाइम गैप हो गया इसलिए उस टाइम रिक्वायरमेंट आती है केसीन की सिमिलरली बहुत लोग लंच के बाद अपना इवनिंग स्नैक में भी बहुत गैप रखते हैं मतलब लंच और इवनिंग इस के बहुत लंबा टाइम गैप होता है तो उस टाइम भी नीड है केसिन प्रोटीन की सिमिलरली मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे अपने ऑफिस निकलना है और मुझे पता है कि आज मैं ऑफिस जाऊंगा तो मेरी एक मीटिंग छः घंटे सात घंटे तक लगातार चलेगी तो शायद मैं अपना नेक्स्ट मील ना ले पाऊँ इसलिए ये आइडियल होगा मेरे लिए कि उस टाइम मैं केसीन प्रोटीन पी के अपने घर से निकलूँ ना कि वे प्रोटीन पी के निकलूँ ऐसा क्यों क्योंकि गैस रिसर्चेस में ये पाया गया है कि वे प्रोटीन आपके बॉडी में इमीडिएटली अमीनो एसिड तो सप्लाई करता है पर तीन घंटे बाद वो अमीनो एसिड सडनली ड्रॉप हो जाते हैं जबकि अगर बात करें केसीन प्रोटीन की तो रिसर्चेस में ये पाया गया है कि केसीन प्रोटीन सात घंटे तक आपके बॉडी में अमीनो एसिड सप्लाई करते रहते हैं करते रहते हैं इसीलिए केसीन प्रोटीन की नीड आई केसीन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तब है जब आपके दो मील में बहुत ही लंबा टाइम गैप हो रहा है तो गैस ये हो गई डिटेल इन्फॉर्मेशन केसीन प्रोटीन के बारे में अब हम बात करते हैं कुछ साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्चेस के बारे में भी तो देखिए गैस एक स्टडी हुई जिसमें तीन ग्रुप को लिया गया एक ग्रुप को केसीन प्रोटीन दिया गया एक ग्रुप को वे सप्लीमेंट दिया गया और एक ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया गया ना ही वे प्रोटीन दिया है ना ही केसीन प्रोटीन दिया है स्टडी के अंत में यह पाया गया कि जिस ग्रुप ने केसीन लिया था उसने तीन गुना ज़्यादा मसल गेन किया है और दो गुना ज़्यादा फैट लॉस अचीव किया है एज कंपेयर टू प्लसीबो ग्रुप ऑन द अदर हैंड ये भी पाया गया कि जिस ग्रुप ने केसिन लिया था उसने वे प्रोटीन के ग्रुप के कंपैरिजन में ज़्यादा फैट लॉस अचीव किया है कुछ और स्टडीज हुई जिसमें यह पाया गया कि अगर आप केसिन प्रोटीन लेते हैं तो ये ना ही आपके मसल मास को बरकरार करके रखता है बल्कि उन्हें इम्प्रूव भी करता है क्योंकि केसिन प्रोटीन में होते हैं एंटी कैटाबॉलिक प्रॉपर्टीज साथ ही साथ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि अगर आप केसिन प्रोटीन लेते हैं तो आपके बॉडी में मसल फाइबर टाइप टू यानी कि फास्ट ट्विच मसल्स की बढ़ोतरी पाई जाएगी और ये ट्विच मसल अगर आपके बॉडी में बढ़ते हैं तो आपके बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ती है जिसकी वजह से आपकी वेट लिफ्टिंग केपेबिलिटीज भी इम्प्रूव हो जाती है साथ ही साथ केसिन के बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं जैसे इसमें कैल्शियम कंटेंट वे प्रोटीन से ज़्यादा पाया जाता है 50 परसेंट आर का कैल्शियम कंटेंट केसिन प्रोटीन में पाया जाता है जबकि वे प्रोटीन में ये सिर्फ 8 परसेंट ही होता है आर का सिमिलरली केसिन प्रोटीन में ग्लूटामाइन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और वो पेप्टाइड के रूप में पाया जाता है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आपका एब्जॉर्बशन भी इंक्रीज होता है ऑलड गैस right तो केसिन प्रोटीन क्या होता है कैसे काम करता है ये वे प्रोटीन से कैसे डिफरेंट होता है वो सब इंफॉर्मेशन अब आप जान चुके हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट जो इसका अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोग केसीन सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो कौन से फॉर्म का केसीन सप्लीमेंट आपके लिए बेटर रहेगा देखिए मार्केट में दो तरीके के केसीन सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा बिकते हैं मैसलर केसिन और कैल्शियम केसिनेट तो कौन सा फ़ॉर्म आपको लेना चाहिए और क्यों वो मैं कवर करूंगा अपने सेकेंड वीडियो में और इसका थर्ड पार्ट भी निकालूंगा जिसमें आप लोगों को ये बताऊँगा कि वो लोग जिनके पास बजट कम है जो लोग केसीन सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग केसीन प्रोटीन सप्लीमेंट से भी सस्ते रेट में और केसीन से भी बेटर क्या ले सकते हैं और अपने बॉडी बिल्डिंग गोल्स को पूरा कर सकते हैं ये मैं थर्ड वीडियो में कवर करूंगा तो मेक श्योर गायस आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में टिल देन बी हेल्दी टेक केयर एंड स्टे सेफ